संचार बंदी होने के बावजूद भी लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में पुलिस ने सभी धर्म के धर्मगुरुओं को जनजागृति का काम दिया है। सोमवार इकोल्टा परिसर में मौलवी द्वारा जनजागृति काम पूरी शिद्दत से किया जा रहा है, जिससे लोग अभी घरों में ही हैं। कोरोना वायरस की पूरी रोकथाम करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार पूरी तरह से तैयार दिख रहे हैं। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकार की ओर से कई कार्यक्रम भी लिए जा रहे हैं। जन जागृति का प्रोग्राम लिया जा रहा है, चैनल के माध्यम से भी बताया जा रहा है कि ताकि लोग लॉकडाउन होने से लोग घर में रहे। सुझाव दिया है कि सभी धर्म के धर्मगुरुओं को बुलाकर उन्हें ये बताया है कि आप अपने इलाके में जाकर वहाँ पे माइक पर सबको यह हिदायत दीजिए कि कोई भी घर से ना निकले, क्योंकि घर से निकलने के बाद कोरोना वायरस बहुत तेजी से पनप सकता है। इस बात की जानकारी तमाम लोगों को देने के लिए अब धर्मगुरु भी आगे आए हुए हैं। इसी श्रृंखला में सोमवार क्वार्टर के मौलवी ने अपने हाथ में माइक उठाते हुए परिसर का गश्त करते हुए सभी लोगों से यह आह्वान किया है और हिदायत भी दी है कि कोई भी बिला वजह अपने घर से ना निकले। एक इमाम होने की हैसियत से और एक मजहबी पेशवा होने की हैसियत से हमारे तमाम सोमवार क्वार्टर के पेट के रहने वाले मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, सबके लिए यह संदेश है हमारा, ये पैगाम है हमारा कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताआत के लिए कुछ कम नते कुर्रो बयां। हमारे नागपुर शहर शगरदरा के मोहकामा पुलिस की जानिब से यहाँ पर कुछ अफराद भी हाजिर है और हम तमाम अहले मोहल्ला से गुजारिश करते हैं कि लोगों, यकीनन ये वबा, ये बला एक ऐसी बला और वबा है जिसको कोरोना वायरस के नाम से हम और आप जानते हैं। यकीनन इससे हम सबको बचना चाहिए और गवर्नमेंट और सरकारी जो अहकामात हमको बताए जा रहे हैं ये सिर्फ हमारी फला और बहबूदी के लिए, हमारी कामयाबी के लिए। अगर आप अपने घर में रहेंगे तो गोया ये महकमा भी खुशहाली से गुजरेगा और आपको जो वायरस से बचाना चाह रहे हैं उससे आप महफूज रहेंगे। लिहाजा इनके अहकामात और जो भी गवर्नमेंट के जो कायदे उसूल है उसका पालनहार कीजिए, उसको अमली जामा पहनाइए। यही जो है हमारे गवर्नमेंट का आदेश है, संदेश है, हुक्म है। और हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस मोहल्ले के अंदर शकरदरा से ये आए हुए महकामात और हमारे सिराज भाई, जाकिर भाई, अल्ताफ भाई, ये सब के सब यहाँ मौजूद हैं सिर्फ इसलिए कि हमारे सब भाई मुस्लिम, गैर मुस्लिम, बुद्ध, सब के लिए गुजारिश है कि यकीनन मजहबी जो प्रोग्रामत है वो भी अपने अपने घरों के अंदर अपने अपने एतबार से करें और जो मस्जिद के या दूसरे जो मामलात हैं यकीनन उसके लिए कुछ दिन के लिए हम और आप रुक जाए और मुख्तसर फॉर्मेलिटी को हम अपने अंदाज में करें। लिहाजा आपसे गुजारिश की जाती है कि आप पुलिस का और गवर्नमेंट का साथ दें। अगर आप यकीनन उनके अहकामात को साथ देंगे तो ये आपके लिए कामयाबी है, आपके लिए बेहतर है, इसी के अंदर हम सब की बेहतरी है। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप अपने अपने घर में रहें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम ये मोहल्ले का गश्त करेंगे और उसके अंदर ये हिदायत देंगे। खुसूसियत के साथ हमारे छोटे छोटे बच्चे जो बाहर क्रिकेट वगैरह या दूसरी चीजें खेल रहे हैं तो माँ बाप से भी मैं गुजारिश करूंगा कि उनको अंदर रखें और उनका ख्याल ध्यान देना ये आपकी जिम्मेदारी है। देश में पूरे संचार बंदी लागू होने से लोग अपने घरों में हो गए ऐसा माना जाता है, लेकिन लोग जो है संचार बंदी का उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में लोगों को घर में रहने की हिदायत बार बार दी जा रही है, लेकिन जब लोग नहीं समझ रहे ऐसे में फिर पुलिस प्रशासन आगे आई हुई है। अब साथ साथ जो मौलाना है, जो अलग अलग मजहब धर्म के लोग हैं, अपने लोगों को अपने समझाने का पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं। इस समय में सोमवार क्वार्टर में जहाँ पे खुफिया विभाग के सुनील सरदार और मौलाना साहब यहाँ पे आइए, उनसे जानना चाहेंगे। सर ये बताइए कि जिस तरह से आज आपने ये जो
सबको आह्वान किया है, ये करने के पीछे का उद्देश्य क्या था? ये भाई, ये क्योंकि ये वबा है, मुसीबत है, हर पब्लिक को, हर आवाम को, जिस तरह के हमारे महकमा पुलिस के लोग और गवर्नमेंट हमें जो आदेश दे रही है, आवाम छोटे बड़े सब उसका हुक्म माने, उन्हीं के लिए अच्छाई है, उन्हीं के लिए बेहतर है। मैं ये कहूँगा कि हम पुलिस का भी साथ दें, गवर्नमेंट का भी साथ दें, और अपना आज का मामला ये है कि खुद अपनी जान की खुद हिफाजत करें। अगर अपनी जान की हिफाजत नहीं है, घूम रहे हैं, कोई एकदम ज़रूरी काम है तो आप अपने घर से निकले, नहीं तो अपने घर के अंदर ये जो चंद अयाम हैं, चंद दिन हैं, 15-17 दिन वो अपने घर के अंदर गुजारे, उनके लिए बेहतर है। बिल्कुल, इस प्रकार की काफ़ी अच्छी बात इनके और से की गई। अब देखना ये होगा कि लोग कितना पालन करेंगे। इस समय खुफिया विभाग के सुनील सरदार है, उनसे भी जानना चाहेंगे। मुझे ये बताएं कि पुलिस प्रशासन अच्छा काम करे, उसके बावजूद लोगों की ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि लोगों से आप इस प्रकार के कामकाज करवा रहे हो? ऐसा है कि पुलिस विभाग अपने तरफ से सारी चीज़ें आवाम को बता रही है, डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए बोल रही है, घरों में रहने की बात कर रहे हैं, सारी चीज़ें आपको पुलिस विभाग की तरफ से बताया जा रहा है। संचार बंदी 144 लागू है, फिर भी कुछ लोग हैं कि जो 3-4% लोग हैं कि जो रोड पर घूमने निकलते हैं, तो इसके लिए हमारे यहाँ से नाकाबंदियाँ और सारे तमाम जगह पे उनका कारोबार, हमारा पूरा ट्रीटमेंट उनके साथ चल रहा है। अभी हमने ये सीपी साहब, हमारे जो उपाध्याय साहब है, उन्होंने इस टाइप का एक हमें मैसेज दिया है कि धर्मगुरुओं को लेकर यदि हम एरिया में घूमते हैं तो उसका इम्पैक्ट और ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि धर्मगुरु एक आदर्श व्यक्ति होता है और उस आदर्श व्यक्ति का सारा आवाम, सारे लोग उनको, उनका बात मानेंगे। तो इसलिए हमने ये पहल भी की है कि हम सारे धर्मगुरुओं से मिलेंगे, मौलानाओं से मिलेंगे, पंडितों से मिलेंगे, बौद्ध धर्म गुरुओं से मिलेंगे, और उनके साथ साथ हम ये इस टाइप की मुहिम आदरणीय सीपी साहब के माध्यम से हम ये चलाना चाह रहे हैं। देखो, लॉकडाउन का मतलब ये है कि अब आज जो गवर्नमेंट ने, मुख्यमंत्री हो गया या अपने प्रधानमंत्री हो गए देश के, जो उन्होंने जो डिसीजन लिए, क्योंकि हर इंसान को अपने घर में इसलिए रहना है कि ये जो बीमारी है, ये बीमारी आज मुझे हुई या आपको हुई या किसी और को हुई, ये 10-15 दिन पता नहीं चलती है। हम लोग 10-15 दिन में लोगों से मिल लेते, हाथ मिला लेते, गले मिल लेते, ये मिल लेते, तो वो बीमारी अगर मुझे 10 दिन बाद जाहिर हुई तो मुझे आज पता नहीं, लेकिन 10 दिन बाद जब हुई तो वो उन लोगों पे इफेक्ट हो रही है। लॉकडाउन का मतलब है अपने ही रूम में बैठे, अपने ही घर में बैठे, तो अगर खुदा ना खास्ता किसी को हो भी गई तो वो घर के जो 2-4 लोग हैं उन्हीं तक इफेक्ट होगा, वो पूरे बाजार में, शहर में नहीं फैलना है। तो मेन कारण लॉकडाउन का ये है कि अपने अपने घरों में बैठो, अपने अपने सुरक्षित रहो। कौन किससे मिल रहा, क्योंकि मैं आपसे मिल रहा हूँ, आपको क्या है मुझे पता नहीं, आप 10 जगह घूमते हो, मैं कहाँ कहाँ से मिल गया है मुझे पता नहीं है। तो ये मेन उद्देश्य इसका ही है, लेकिन लोग इसको गलत मतलब ले रहे हैं कि हमारे को खाने पानी की ठीक नहीं है, हम घर से बाहर नहीं निकल लेते, ये गलत है। खान पान सबके घर में है, एक आदमी को 1,000-1,200 रुपये का खाने को लगता है, अगर दाल रोटी चावल ही खाना है तो ये भी चिकन मटन और तंदूरी खा के, बिरयानी खा के पार्टी बनाने का टाइम नहीं है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि हमको जब तक गवर्नमेंट ने लॉकडाउन बोली है, अपने को अपने घरों में ही रहना है और घरों में रहकर सुरक्षित देना है। आज भी मौलानाओं को घुमाने की ज़रूरत पड़ रही है, ये क्योंकि हमारे मुस्लिम तबके के कई लोग हैं ये चीज़ को नहीं समझ पा रहे, ये जगह जगह अपनी भीड़ जमा कर लेते, घर के सामने 2-4-8 लोग खड़े कर लेते। मैंने उस दिन भी आपको इंटरव्यू में बताया था कि ऐसी कई क्लिपिंग हमारे डिपार्टमेंट अपना इंग्लिश स्टूडियो में है जहाँ मुस्लिम लोग बहुत ज़्यादा जगते के जगते लगे हुए हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, यही समझाने के लिए मौलानों को कन्विंस किया जाता है। हर इंसान यही समझ रहा है कि मैं सेफ हूँ, मैं सेफ इज द रॉन्ग। हर इंसान को ये समझ कि मैं इसके से इफेक्ट हो सकता हूँ, मुझे घर में रहना है, ये मेरा आपको संदेश है। डॉक्टर भूषण कुमार उपाध्याय, इन्होंने ये पहल की है और इनके पहल के ऊपर में लोग भी अमल करते हुए अब नजर आएंगे, क्योंकि तमाम धर्म के जो धर्म गुरु है वे अब इस काम पे लग चुके हैं, क्योंकि कोरोना वायरस को अब सिर्फ रखना नहीं बल्कि देश से बाहर नहीं, पूरे विदेशों से भी बाहर करना है, और इसके लिए लोगों ने दुआ भी करना चाहिए, आप अपने मजहब के लोगों ने, और साथ ही साथ इसका पालन भी करना जरूरी है। सोमवार रिकॉर्डर से कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ संजय मिरे, इनबीसीएन न्यूज़, नागपुर।